अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी से मेरठ शहर के विधायक हाजी रफीक अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विधायक रफीक अंसारी पर वर्ष 1995 में मीट दुकानों पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में 35 से 40 लोगों के साथ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में 100 के करीब वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन वे कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। इसके चलते हाईकोर्ट ने उन्हें गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक ने गिरफ्तारी के आदेश मेरठ पुलिस को दिया है, जिसके चलते फरार विधायक को मेरठ पुलिस ने लखनऊ से वापस लौटते समय बाराबंकी के जैतपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मेरठ पुलिस सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी को रात्रि में MPMLA कोर्ट लेकर गई, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि रफीक अंसारी की तरफ से खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज। मेरठ पुलिस पिछले 7 दिनों से विधायक रफीक की खोज में दबिश दे रही थी। मेरठ SSP रोहित सजवार ने रफीक की गिरफ्तारी के लिए डिप्टी SP के नेतृत्व में कई टीमें गठित की, लेकिन वे दबिश के दौरान मेरठ स्थित घर पर नहीं मिले थे। पुलिस को जानकारी मिली कि वे लखनऊ अपने आवास पर हैं, तो एक टीम लखनऊ भी पहुंच गई। रफीक अंसारी जब लखनऊ से वापस मेरठ लौट रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज रात में उन्हें MLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी दूसरी बार शहर की सीट पर विधायक हैं। रफीक अंसारी ने मेरठ शहर पर सीट पर भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। वर्तमान में वे अखिलेश के बेहद करीबी हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भी दावेदारी की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मेरठ लोकसभा सीट पर सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा को टिकट दिलाने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। गौरतलब है कि सितंबर 1995 में हापुड़ रोड पर जाम लगाने और तोड़फोड़ और आगजनी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मेरठ पुलिस ने रफीक अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला तब कोर्ट में चल रहा था, हालांकि कोर्ट ने अब 22 आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन रफीक अंसारी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन पर MPMLA मेरठ कोर्ट में IPC के धारा 147, 436 और 427 के तहत 101 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी वे कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। उन्होंने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी रफीक अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई। याचिका रद्द होने के बाद पुलिस महानिदेशक ने सपा विधायक की गिरफ्तारी का आदेश दे दिए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।